मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, कश्तियाँ जहाँ जिद पर होती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मनोज वाजपेयी जी। सबसे पहले स्वागत आपका टीवी 9 में और ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। पद्मश्री से सम्मानित होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या कहना चाहेंगे, क्या रिएक्शन रहा सबसे पहले आपका जब आपको ये बात पता चला तो मैं थोड़ा सा चौंक गया और समझ नहीं आया कि मैं इसको रिएक्ट कैसे करूं, क्योंकि मैं सोच भी नहीं रहा था कि मेरे दिमाग में ये बात आ ही नहीं रही थी कि पद्मश्री एक तो अनाउंस होने वाले हैं और दूसरा ये कि कभी मेरा नाम भी आएगा उसमें। बहुत सालों से बहुत सारे दोस्त कहते रहते थे लेकिन कभी नाम आया नहीं, तो मुझे लगा कि शायद मैं इसका हकदार भी नहीं हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं पुरस्कार और सम्मान के का इंतज़ार कभी करता नहीं हूँ, ना उसके बारे में कोई मैं उसकी तरफ आँख गड़ा कर मैं बैठा रहता हूँ। तो इसलिए जो है जब ये खबर पता चली मुझे तो मैं थोड़ा घबरा गया और मुझे मैं एक सेकंड के लिए मैं जम गया। मुझे लगा कि क्या ये सही है कि जो न्यूज़ दी जा रही है, मुझे मैं एकदम से समझ नहीं आया कि मैं इस पर प्रतिक्रिया क्या दूँ, एकदम से जम गया था मैं। आपके गांव में बिहार में बेलवा में आपके पिताजी राधा वाजपेयी जी को भी काफ़ी सम्मानित किया गया, गांव वालों ने मिठाइयाँ बांटी, कैसा माहौल रहा? मेरे गांव वालों को तो लग रहा है जैसे कि उनको सम्मान मिला है, जो कि सबसे बड़ी बात है, बहुत ही सुंदर बात है। वो लोग अपने तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहाँ से कुछ एक लोगों के फ़ोन भी आए थे गाँव के लोगों के, पिताजी को वहाँ पर वहीं पर हैं वो लोग अभी, दिल्ली से वहाँ गए हैं और वहाँ पर उनसे मिलने वालों का तांता लगा हुआ है, उनको लोग मिठाइयाँ खिला रहे हैं, उनके साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे माता पिता बहुत खुश हैं इस बात को लेकर के कि गांव समाज के लोग पूरा उत्सव मना रहे हैं। तो ये एक तरीके से कहें तो देखिए, सम्मान वही बड़ा होता है जिस सम्मान से दूसरे को लगे कि उसका सम्मान बड़ा है, और आपके माता पिता को लगे कि उनको सम्मान दिया गया, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। एक ऐसी छोटी सी जगह से बेलवा डिस्ट्रिक्ट से आप आए बिहार में जो है, और वहाँ से कोई कनेक्शन नहीं फिल्म इंडस्ट्री में, अपनी पहचान बनाई अपनी मेहनत से, कितने तूफानों का भी सामना करके आज ये उपलब्धि आपने हासिल की है, 2 नेशनल अवार्ड्स, 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स, अब पद्मश्री, कैसे देखते हैं आप अपनी इस उपलब्धि को? बहुत ही उतार चढ़ाव रहे, काफ़ी कठिनाइयाँ आती रही हैं, और कठिनाई मैं थोड़ा सा ज़िद्दी किस्म का आदमी हूँ, मोटी चमड़ी वाला आदमी हूँ। दूसरी बात ये कि कभी घबराया नहीं, हमेशा जो है गोल पे लक्ष्य पे नज़र टिका के रखा, और मुझे इतना पता था कि मैं अगर अभिनेता बनना चाहता हूँ तो मेरे अंदर में है, मेरे पास कुछ है देने के लिए सिनेमा को और दर्शकों को, कुछ नया है देने के लिए, और उस जिद पे, उस विश्वास पे, उस कन्विक्शन के साथ मैं अड़ा रहा। उसके बाद भी बहुत सफलता मिलने के बाद भी आज बहुत सारी एकदम नीचे की तरफ मतलब मैं फिसला भी, मैं फिर उठा भी, फिर गिरा भी, फिर उठा वो, लेकिन कभी भी मैंने अपना जो असली मनोज वाजपेयी है उसको कभी नहीं छोड़ा मैंने, कभी भी नहीं, कभी घबराया नहीं, कभी तनाव में नहीं गया, कभी ईर्ष्या नहीं हुई किसी दूसरे के काम से। मैं हमेशा दूसरे के काम से खुश होता हूँ, जबकि हमारी इंडस्ट्री में एक बुरी बात है कि हम दूसरों की सफलता से थोड़ी सी जल जाते हैं और दूसरे की असफलता से हम खुश होते हैं। वो उस तरह की चीज़ मेरे दिमाग में कभी रही नहीं है, शायद मेरे ख्याल से कुछ एक जो गुडनेस है वो सब चीज़ें ला कर के दे देता है। सो अगर आप दूसरे के लिए अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। आपके पिताजी को बहुत ही गर्व महसूस होता है, उन्होंने ये भी कहा है कि हर किसी को ऐसा बेटा मिलना चाहिए जो इतनी ऊंचाई तक पहुंचे अपनी मेहनत से। एक बार आप अपनी फिल्म की शूटिंग पर अमिताभ बच्चन जी से उन्हें मिलवाने ले गए थे, तो अमित जी ने जब उनके पैर छुए थे तभी वो बहुत खुश हुए थे, क्या था पूरा मामला? जी, अमित जी बहुत ही हम्बल आदमी हैं और बड़े संस्कारी आदमी हैं। अमित जी को आता है कि बुज़ुर्गों को कैसे आदर दिया जाए। एक बात जो श्री अमिताभ बच्चन जी से सीखने लायक है वो है कि ह्यूमिलिटी और पब्लिक में और लोगों के बीच आपका व्यवहार कैसा हो, लोग आपकी तरफ देखते हैं बड़े सम्मान के साथ देखते हैं। तो अमित जी ने कभी किसी को भी निराश नहीं किया है अपने व्यवहार से, और मेरे पिताजी जो हैं उनके व्यवहार से बड़े खुश हुए थे, उनके संस्कार से। तो वो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं दिलीप कुमार से उनको मिलवाऊँ, दिलीप कुमार साहब से, लेकिन मिल नहीं पाए थे क्योंकि दिलीप साहब उस समय थे नहीं शहर में। मैंने पता किया था, मेरे पिताजी के समय के सबसे बड़े
एक्टर और सबसे बड़े स्टार थे दिलीप साहब, लेकिन अमित जी के साथ काम कर रहा था मैं, तब मैं मिलवाया था मैंने, और बहुत खुश हुए थे दोनों माता पिता मेरे। अगर आप ईश्वर में मानते हैं तो जो तकदीर में लिखा है वो ही पाओगे, अगर आप खुद पे भरोसा रखते हैं तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। आपने इस बात को सार्थक कर बताया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बुजुर्गों का, गुरु का, टीचर्स का, सबका आशीर्वाद आपके ऊपर रहना चाहिए, और वो तभी रहेगा जब आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहते हैं और अपने काम में मेहनत करते हैं और उनकी बड़ों की आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, और वो ह्यूमिलिटी बिना उसके बहुत मुश्किल है कहीं भी पहुंच पाना। चाहे ऊपर जाइए चाहे नीचे आइए, वो लगातार चलता रहेगा, वो जीवन का हिस्सा है, वो किसी भी करियर का हिस्सा है, बट आदमी को अपना जड़ और अपनी ह्यूमिलिटी नहीं खोनी चाहिए। इसी के साथ 25 साल आपके पूरे हो चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री में। 25वें साल में मैं सेलिब्रेट कर रहा था 25th ईयर, और ठीक उसी समय पद्मश्री मिला, तो मेरा डबल सेलिब्रेशन हो गया है। सो गॉड हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड दिस ईयर, द ईयर हैज़ स्टार्टेड विद अ बैंग फॉर मी, एंड आई जस्ट होप दैट द रेस्ट ऑफ द मंथ्स विल बी यू नो इक्वली फुलफिलिंग एंड फ्रूटफुल। हर तरह के किरदार, हर तरह के प्रयोग आपने इतने सालों में किए हैं, आगे क्या है, क्या नया आप कुछ अपना खुद का शुरू करने का आपका कुछ प्लान है? देखिए, मैं आगे जैसा एक जो सिलसिला मैंने शुरू किया है कुछ सालों से, कि मैं नए डायरेक्टर्स के साथ काम करने की कोशिश है मेरी, नया डायरेक्टर, क्योंकि वो आज के समय का डायरेक्टर है, वो आज के समय में मैं पला बढ़ा, आज के सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा को देख करके वो बड़ा हुआ है, उसके पास कहानियाँ कहने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी हैं और नए ढंग से कहानी कहना चाहता है। तो मैं अब मेरा जोर ज़्यादातर नए डायरेक्टर्स पे है। उसकी शुरुआत अगर कहें तो दीपेश जैन गली गुलियां, देवाशीष मखीजा भोसले और तांडव जो शॉर्ट फिल्म उन्होंने बनाई थी, वहाँ से शुरू की है मैंने, और आगे जो है दो तीन और नए डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मेरा काम चल रहा है स्क्रिप्टिंग के स्टेज पर, और बहुत ही नायाब सी और अच्छी सी और विचित्र सी कहानियाँ लेकर के हम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और आने वाली फिल्मों के लिए आपको काफ़ी शुभकामनाएं TV9 की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। कैमरा पर्सन योगेश जी साथ है नीरू, TV9 मुंबई।